क्योंकि आपके अलावा और आपके जनरल के अलावा कोई और आपको जज नहीं करने वाला। कनिष्ठ, तुम जर्नलिंग क्यों नहीं ट्राई करते? जर्नलिंग ये क्या होता है? अरे अच्छा, मुझे लगता था इससे सिर्फ टाइम पास होता है। अरे नहीं, इसके बहुत फायदे होते हैं। अच्छा, फिर तो चैलेंज लेकर देखना पड़ेगा क्या होता है। बिल्कुल, एक 30-day चैलेंज तो इस पर बनता ही है। नमस्कार, मैं हूँ कनिष गुप्ता। क्या आपको मालूम है जर्नलिंग है क्या? मैंने आपसे पहले कुछ और लोगों से पूछा और उन्होंने मेरे को जवाब दिया, एज एक्सपेक्टेड, जर्नलिज्म करने को जर्नलिंग कहते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जर्नलिज्म और जर्नलिंग ये दोनों आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे जर्नलिंग का मतलब है डायरी राइटिंग, हाँ जी, जो आपने कभी ना कभी ज़रूर करी होगी। तो मुझे देखना था क्या कुछ फ़ायदे हैं डेली जर्नलिंग करने से, क्या जर्नलिंग करने से मेरी लाइफ में कोई चेंज आएगा, क्या ये जो मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। ये सब देखने के लिए मैंने लिया 30-day जर्नलिंग चैलेंज। मैंने एक बेसिक डायरी ली जिसमें मैं हर दिन रात को लिखा करता था। सबसे पहले मैं टॉप पर डेट और टाइम लिख देता। वैसे जर्नल लिखने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। मैंने पहले 5 दिन लिखा कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया है और मैं कल पूरे दिन में क्या करने वाला हूँ। वो सारे मैं गोल्स जर्नल में लिख देता था। कोई ऐसी खास चीज़ हुई हो जो उससे पहले मेरे साथ कभी भी नहीं हुई है, उस एक्सपीरियंस को ज़िंदा रखने के लिए मैं अपनी जर्नल में लिख देता। ये सब लिखने में मुझे लगभग 5 से 7 मिनट लगते थे और आधे पेज के करीब भर जाता था। आज है हमारा day 6 और अभी मैंने डायरी राइटिंग ख़त्म करा है। और देखो भाई, अब जाके मेरे को टाइम मिला है शूट करने का, क्योंकि मैं अभी तक डायरी लिखता था रात को और आज से मैंने ये प्रण लिया कि मैं शाम को लिखूँगा। तो देखते हैं कब तक चलता है ये शाम वाला सिलसिला। शाम को भी लिखूँगा और सुबह भी लिखूँगा, सॉरी, शाम को भी और रात को भी लिखूँगा, तो 2 बार लिखूँगा आपसे। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं। मैंने कल अपनी डायरी राइटिंग के वक्त रात को लिखा था कि मेरे को जल्दी उठना है सुबह, और मैं उठ गया फिर सुबह जल्दी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड से बातें कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं जो भी बातें अपनी डायरी में, वो एक तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड पकड़ रहा है उन बातों को, या फिर हम ये कह सकते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हैं वो बातें। वैसे तो दोनों ही बातें सेम है। तो ये है बात, साउंड्स इंटरेस्टिंग। अब हर बार सेम लिखना कि मैंने आज क्या करा है और मेरे को कल क्या करना है, ये काफ़ी बोरिंग और मोनोटोनस हो रहा था। तो अब मैंने अपनी फीलिंग्स भी लिखनी स्टार्ट कर दी, कैसा मेरे को फील हो रहा है पूरे दिन में, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी मेरा मूड है, वो सारी फीलिंग्स मैंने पेपर पर लिख दी और इस मूड के पीछे क्या रीज़न हो सकता है वो भी लिखने की कोशिश करी। अब मैं जर्नलिंग को और थोड़ा टाइम देने लग गया, दिन के लगभग 10 से 12 मिनट। कुछ दिन ऐसे भी आए जब मेरा मन नहीं करता था लिखने को, चाहे रीज़न टाइम की कमी हो या पूरे दिन की थकावट हो। उन दिनों में ट्राई करता था कि मैं 2 से 3 लाइन ज़रूर लिखूं, जिससे कि मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। हर 7 दिन बाद मैंने खुद से कुछ सवाल पूछे, क्या मैं सही में ये करना चाहता हूँ, क्या मैं उसके लिए सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इन 7 दिनों में मैंने क्या नया सीखा? आप भी जर्नलिंग करते वक्त कुछ ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस खुद से पूछ सकते हो कुछ रेगुलर इंटरवल्स पर। और मैं डायरी के लास्ट पेजेस में अभी बताता हूँ क्या करता था। आप चाहते हो तो आप इसके लिए अलग से जर्नल भी बना सकते हो। तो मैं डायरी के लास्ट पेजेस में लिखता था डेली जर्नलिंग से अलग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि मैंने कोई बुक पढ़ी तो उस बुक की समरी मैं उधर लिख देता था, मैंने कोई कोट पढ़ा जो मेरे को अच्छा लगा तो वो भी मैं वहाँ पर लिख देता था, और मैं वहाँ पर ये भी लिखता हूँ
कि मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ, जिससे जब मैं अपने लो फेज से गुजर रहा हूँ तब मुझे उसे पढ़कर अच्छा फील हो, ग्रेटफुल फील हो। मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें बता देता हूँ जो आप भी अपने जर्नल में लिख सकते हो। आप जिस प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हो वो प्लेटफॉर्म यानी YouTube आपको एक्सेसिबल है। इंडिया में 65.8 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि YouTube करके कोई चीज़ भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। सबसे बड़ी बात, आप अभी ज़िंदा हो तभी आप इस वीडियो को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो और समझ पा रहे हो। ये सारी बातें, छोटी बातें हो या बड़ी बातें हो, आप अपने जर्नल में लिख सकते हो, जिससे कि जब भी आप लो फील करो तो आप ये सब पढ़ सकते हो और आपको हर बार पढ़कर अच्छा लगेगा। अब कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं जो मैंने इन 30 दिन में एक्सपीरियंस करे। जब हम अपने नेक्स्ट डे का प्लान जर्नल में लिखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में भी ये फीड हो जाता है और फिर नेक्स्ट डे हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी हमारी मदद कर रहा होता है उस टास्क को पूरा करने में। तो जर्नल लिखने से हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। और हमारे पीके भैया ने इस वीडियो में बताया था कि आप अपने दिन के गोल्स एक ऐप में लिखो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने दिन के गोल्स जर्नल में लिखो, क्योंकि इसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न, आप जर्नल लिखोगे तो ज़्यादा एक्टिव फील करोगे। जर्नल लिखने के लिए डायरी टेबल पे होगी, वहाँ जाओगे, डायरी खोलोगे, फिर पेन निकालोगे, उसके बाद लिखोगे, तो काफ़ी सारे एफर्ट्स लगेंगे ये करने में। इसी दौरान हमारा माइंड पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। और दूसरा रीज़न है ऐप में नहीं लिखने का, कि हम जब भी मोबाइल खोलोगे तो कुछ बार हो सकता है कि हम मोबाइल की यूनिवर्स में काफ़ी देर तक ट्रैप हो जाए। तो जर्नल में अपने गोल्स लिखने से डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो है। अगर हम फुल ऑनेस्टी के साथ अपना जर्नल लिखे कि हमने आज पूरे दिन में क्या किया है, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होगी जो हम नहीं करना चाहते थे जिससे हमारा टाइम वेस्ट हुआ, तो हम इन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं और नेक्स्ट डे के लिए रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। जब कभी मैं बैठकर अपना पुराना जर्नल पढ़ता था तो मेरी यादें फिर से रिलिव हो जाती थी और मुझे हर बार पढ़कर अच्छा लगता था। कभी कभार तो अपना लिखा हुआ पढ़कर हंसी आ जाती थी। कभी कभार जर्नलिंग करते मेरे को कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी स्ट्राइक करे। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मेरी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तब भी मैंने जर्नल 30 दिन लिखा, क्योंकि मेरे को कोई भी जज करने वाला नहीं है। आप भी अपने सारे थॉट्स अपने जर्नल में लिख सकते हो, क्योंकि आपके अलावा और आपके जर्नल के अलावा कोई और आपको जज नहीं करने वाला। अब अगर आप और भी प्रोडक्टिव होना चाहते हो, अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज को कैप्चर करना चाहते हो, तो आप ये 30 डेज जर्नलिंग चैलेंज लेकर देख सकते हो। और अगर आपने पहले कभी जर्नल लिखा था या आप अभी भी जर्नल लिख रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, बाकी लोगों की काफ़ी मदद हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय।